धमाकेदार होने वाला है अक्टूबर का महीना। पर्दे पर आने वाली है कई शानदार फिल्में। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। अक्टूबर महीने की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई है। ऋतिक टाइगर स्टारर फिल्म वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। वहीं टॉड फिलिप्स की जोकर भी भारतीय दर्शकों का दिल जीत रही है। दिवाली के साथ ही सिनेमाघरों में भी पटाखे फूटने वाले हैं, क्योंकि अभी एक से बढ़कर एक फिल्में आने वाली है। पहले नंबर पर है द स्काई इज पिंक। लंबे समय के बाद प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से हिंदी सिनेमा में वापसी कर रही है। इसके लिए उन्होंने सोनाली बोस की द स्काई इज पिंक को चुना। ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। उसके बाद लाल कप्तान। सैफ अली खान अब तक के सबसे खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये उनकी सबसे हिंसक मूवी होने वाली है। 18 अक्टूबर को आने वाली इस फिल्म में दीपक डोबरियाल भी नजर आने वाले हैं। उसके बाद आ रही है फिल्म सांड की आंख। तापसी पन्नू एक बार फिर एक अलग किरदार में नजर आ रही है। इस बार वो अपनी उम्र से अधिक महिला के किरदार को निभा रही है। इस फिल्म में उनके साथ भूमि पेडनेकर भी काम कर रही है। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। उसके बाद मेड इन चाइना। भारत में अब चीज ही नहीं बल्कि फिल्म भी मेड इन चाइना आने वाली है। राजकुमार राव स्टारर ये फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों पर रिलीज होगी। राजकुमार के अलावा इस फिल्म में अनुपम खेर और बमन ईरानी के साथ मौनी रॉय भी नजर आएंगे। Bureau Report Indian Film History. For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel.